सोलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। सो चलिए जान लेते हैं मंडे को बैंक निफ्टी कहाँ पे वॉक कर सकता है, उसके लेवल लॉजिक एंड कुछ लर्निंग पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे और थर्सडे को मार्केट बहुत अच्छा रहा, मेरी जो स्ट्रेटजी रही वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते सीधे स्क्रीन पे और करते हैं आज का एनालिसिस स्टार्ट। सोप से गाइस अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मेरे पास डे टाइम पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ये देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी बहुत अच्छी सेट है ना। अभी अगर मार्केट हमको इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है डायरेक्शनल, जिसमें अपसाइड के लिए जो पहला जो हमारे लिए ब्रेकआउट रहेगा रेंज 44,040 के ऊपर और डाउन साइड में 43,400 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तब समझ लो ये स्ट्रेटजी लगेगी, क्योंकि ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ना, ये जो मदर कैंडल है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी ऐसे वर्क करती है। गाइस आपको ये लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक ठोक दो, फ्री है क्या नहीं जा रहा है आपका। चलिए अभी हम एक बार इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, उसके पहले हम एक बार ओआई डिकोड कर ले है ना, जो ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं मतलब ठीक है देख लेते हैं यार, प्रोफेशनल लगता है थोड़ा सा। देखो 44,000 पे यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्ट है, पुट राइटिंग है ठीक है, और 43,900 पे भी है, 43,800 पे भी 7 है, अच्छी खासी पुट राइटिंग है ठीक है। कॉल राइटिंग देखेंगे तो वहीं कॉल राइटिंग नहीं है भाई, थोड़ी बहुत थी जो नेगेटिव में चली गई, लोगों ने एग्जिट कर दिया ठीक है। अभी इसमें सिनेरियो क्या बन सकता है, बस एक चीज़ है कि ये देखो 44,000 पे ऑप्शन ओआई डेटा है बट चेंज इन ओआई नहीं है। अभी हम इसको कैसे ट्रिगर करेंगे हम मैं वो आपको बताता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। देखो 44,000 एक मेन रेंज है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया समझ लो 43,900 पे, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये जस्ट अ मिनट यार, हाँ यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये जो इतने सारे जो पुट सेल करे बैठे हैं समझ लो इनका एसएल हंटिंग चालू हो जाएगी। 43,900 के नीचे समझ लो ये 44,000 वाले तो भागे पहले नंबर पे गए, 43,900 वाले का एसएल ट्रिगर हो जाएगा, तो ये लोग एग्जिट करना चालू करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की सिचुएशन बन सकती है और खट 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 जो सीन बनता है ना सेलिंग साइड में, वो सिनेरियो हमको देखने के लिए मिल सकता है। बट एज अ ट्रेडर यार हम दोनों व्यू लेके चलेंगे, एक तरफ नहीं ठीक है। अगर 44,100 के ऊपर समहाउ मार्केट 44,100 के ऊपर ओपन हो गया तो यार यहाँ से बाइंग की सिनेरियो बन सकता है। क्यों, क्योंकि 44,100 एक बहुत अच्छा लेवल है और यहाँ पे होगा क्योंकि एक डायरेक्ट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा ठीक है, जो मैंने अभी आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाया था। सो ये कुछ सिनेरियो है जो हमने ऑप्शन चेन के बेसिस पे डिस्कस किए। अभी हम देखते हैं मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क कर सकता है। ये कुछ रेंजेस हैं जो मैंने मार्क किए हैं। देखो सबसे पहले तो आज ये एक रेंज मार्क किया मैं इसको, सॉरी ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे खुला है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। यहाँ पे देखो ठीक है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन, इसको मैं और कंसोलिडेट, हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम अभी और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो मार्केट ने 44,000 के ऊपर गया, वापस आ गया क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे इन लोगों ने कॉल सेल करना चालू कर दिया। सो मार्केट नीचे आया 43,900 पे क्लोज कर दिया ठीक है। अभी इसमें सिनेरियो क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 44,400 पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता देन डेफिनेटली अब बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ये लेवल एक हमारे लिए रेजिस्टेंस भी था और इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो गया। अच्छा ट्रेड कब मिलेगा नीचे से, देखो फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 43,900 जहाँ पे आज क्लोज किया वहाँ से 44,100 इस रेंज में अगर मार्केट ओपन हो गया उसके बाद हमको ब्रेकआउट दे दिया तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, थोड़ा सा रिस्क रहेगा। हाँ हो सकता है मार्केट ऐसे प्रीवियसली भी नीचे गया है तो नीचे आ जाए, बट इसमें हम इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मानेंगे और हमारे लिए एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप मैनेज करके चलना पड़ेगा, बट हमको साइडवेज टू सिमिलर मतलब स्लाइटली गैप अप इसमें हम बाइंग के लिए देखेंगे। मार्केट फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन ओपन हो गया 43,900 से 43,700 के बीच में, तो एज पर द ओआई डेटा आप रिलेट कर पा रहे, ओआई डिकोड किया था हमने जो उसके डेटा के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की सिचुएशन बन सकती है, समझ रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग की सिचुएशन बनेगी जिसमें हमको पहला जो टारगेट है वो है 43,700, मार्केट यहीं से भागना चालू किया तो बहुत सारे लोगों का एसएल यहाँ कहीं पे होगा इसी रेंज के आसपास ठीक है, इतनी रेंज के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग मिले, सबसे पहले जाएंगे 43,700 वाले, उसके बाद ये खटखट खटखट जाना चालू करेंगे तो नीचे तक का जो हमको टारगेट दिख रहा है 43,400 तक का। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, बाइंग का भी सेलिंग का भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यार, गैप अप टू स्लाइटली गैप अप बड़ा गैप अप और ये साइडवेज, इसमें हमको बाइंग के लिए देखना है ठीक है, लॉजिक आप समझ गए, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट।
और अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो इसका भी लॉजिक बता दिया आपको, ओआई डेटा मैंने शेयर किया था, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिचुएशन बनेगा क्योंकि ये लोग जो लोग बैठे हैं ना भर के, ये लोग समझ लो निकलना चालू करेंगे। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत सिंपल है ना, मैंने ट्राई किया आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाने समझाने का। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर हमारी ई बुक बाय करना चाहते हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ है ना, ये बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारा डेटा हमने आपके साथ शेयर किया है। सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।